हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट। और आज हम आपको बताएंगे यूपीएससी सीनियर ग्रेड इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस रिक्रूटमेंट 2017 के बारे में। बात करें अगर रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो यूपीएससी है, और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, साथ में डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा हो जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में। टोटल वैकेंसी जो है वो है 72। जो पोस्ट है वो सीनियर ग्रेड आईआईएस की है, यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। क्वालिफिकेशन जैसे कि हमने बताया, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा हो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में। साथ ही अगर आपके पास बैचलर डिग्री है मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स है। टोटल वैकेंसी 72 है, और जो पे स्केल है वो 9300 से 34800 है, साथ में ग्रेड पे 4600। एग्जाम फी जो है वो जनरल ओबीसी के लिए 25-25 रुपए है, SC ST PH और वुमेन के लिए कोई भी फी नहीं है। एक्स सर्विसमैन को अपनी कैटेगरी के हिसाब से पे करना पड़ेगा। पेमेंट मेथड जो है वो ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी है। आप चाहें तो चालान के जरिए जमा कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन मेथड जो है वो ऑनलाइन है। फॉर्म यूपीएससी की वेबसाइट www.upsconline.nic.in से भरे जा रहे हैं, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट 10 जून 2017 को जारी हुआ है, और लास्ट डेट है 29 जून 2017। 29 जून 2017 लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन करने की, लेकिन आप फॉर्म 30 जून 2017 तक हार्ड कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी हार्ड कॉपी लेटर यूपीएससी को नहीं भेजना है। एग्जाम डेट बाद में डिक्लेयर की जाएंगी। सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू के थ्रू होगा, लेकिन अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा हुई तो कमीशन एक रिटर्न या फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट employmentspoint.com। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।